Guy, you must have heard about the Indus Valley civilization and Harappa, Mohenjo-daro. तो ये जो सारी सभ्यताएं हैं ये सबसे जो पुरानी एक सेटलमेंट है उनको माना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी ही साइट के बारे में पता लगा है, तो चलिए उसको पहले हम लोग देखते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल फोक्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो ये हूँ मैं अभी तर्री घाट में, जो कि रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है और दुर्ग से भी करीब 35-40 किलोमीटर दूर है। ये पाटन में आता है और ये देखिए खारू नदी के किनारे ये एक साइट है। इस जगह की कहानी स्टार्ट हुई है सन 2008 से। 2008 के पहले इस जगह को जगतपाल का टीला कहा जाता था। तो यहाँ पे लोग देखिए, ये रावण की मूर्ति भी है, तो यहाँ पे लोग रावण दहन के लिए आते थे गांव वाले। तो ये एक टीला था, काफ़ी ऊंचा सा पहाड़ के जैसे एक टीला होता है वो था। तो सन 2008 में जो कि आर्कोलॉजिकल की डिपार्टमेंट वाले हैं छत्तीसगढ़ के, उनको पता लगा कि यहाँ पे उनको कुछ सिक्के मिले हैं सातवाहना के काल के समय के, बहुत पुराने सिक्के, सोने के सिक्के मिले हैं। तब उनको इस जगह के बारे में थोड़ा जानने का मन हुआ। जो हमारा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो सन 2008 में यहाँ आया। जब वो यहाँ पे आए देखने के लिए तो उस टाइम एक पहाड़ जैसे ही था। तो उनको यहाँ पे कुछ सोने के सिक्के मिले, पुराने सिक्के मिले, बीट्स मिले। बीट्स मतलब मोती हम लोग जो बोलते हैं ना, वो जो लोग गले में पहले नेकलेस वगैरह पहनते हैं वो मिला। तो 2008 में ये जगह चर्चा में आई। तो फिर जो कि यहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ASI है उनसे परमिशन ली और यहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट किया। सो सन 2011 से लेकर 13 तक ये जगह एक नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ बन गई। टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट और द पायोनियर, हर किसी ने इस जगह को कवर करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मिली थी 2500 साल पुरानी सभ्यता, मतलब करीब 2nd to 3rd बिफोर क्राइस्ट BC। तो ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई, यहाँ पे लोग आने लगे पूरे देश भर से, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी सभ्यता मानी गई, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो थी उनके जैसे ही ये भी एक सभ्यता मानी गई थी। तो काम स्टार्ट हुआ यहाँ पे सन 2011 से लेकर 13-14 तक काम चला अलग अलग फेज़ में। तो यहाँ पे फिर जब वो खुदाई करना स्टार्ट किए तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि बीट्स मिले। तो बीट्स बहुत मिले यहाँ पे, मतलब जैसे एक कंप्लीट मिला, हाफ बीट्स मिले। तो बहुत ज़्यादा बीट्स मिलने की वजह से ऐसा माना गया कि ये जगह एक ज़माने पे करीब ये एक बीड का यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होंगी जहाँ पे बनता था। फिर यहाँ पे सातवाहना, कुषाण काल के, कलचुरी काल के, इन सब समय के भी सिक्के मिले। तो ओवरऑल ये माना गया कि यहाँ पे एक के ऊपर एक करके पाँच सभ्यताएँ यहाँ पर रही हैं एक समय पर, लेकिन एक समय के साथ यहाँ पर आग लगने की वजह से वो ख़त्म हो गई। तो ये देखिए, ये करीब 20 फीट चौड़ी एक सड़क है और इसके किनारे में ये सारे जो कि घर रहे होंगे पहले के टाइम पे, या फिर जो भी एक रहा होगा, पर एक प्रॉपरली जैसे हड़प्पा को माना जाता है एक प्लान्ड सिटी थी, वैसे ये भी एक प्लान्ड सिटी की जैसे ही थी। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हर कुछ एक प्रॉपर वे में मिलेगा। आज के टाइम पर अगर आप गाँव में जाएंगे, हिंदुस्तान के शहरों में भी जाएंगे, तो रोड आपको एक प्रॉपर वे में नहीं मिलेंगी, जिसको जैसे मन वैसे ही बना लिया है और वैसे ही है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, और ये सारे वही चीज़ के प्रूफ है, पर एक प्रॉपर ये रोड दी गई है। एक टाइम पे ये बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर भी माना जाता है रहा होगा, क्योंकि खारू नदी है वो आगे जाके महानदी में मिलती है, महानदी के थ्रू वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था ऐसा मानते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें बीड्स मिले और जो लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं उनके हाथ की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली, टेराकोटा की कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं, बीड्स मिले यहाँ, और यहाँ पे खिलौने मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, और ग्रीस के सिक्के मिले हैं जो इंटरनेशनल, इसी के हिसाब से बोला जाता है कि यहाँ पे व्यापार भी होता होगा, क्योंकि जो ग्रीस का जो कि सिक्के थे वो यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे डॉकयार्ड था, यहाँ से व्यापार होता था, ये सारी एक सिविलाइज सोसाइटी थी। लेकिन 2013-14 के बाद यहाँ का काम पूरा ठप हो गया, और जो भी खुदाई में ये जगह निकली, जो भी चीज़ें यहाँ पे निकली खुदाई में, वो
देखिए तो अब टूट फूटने लगी है, यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ मतलब गार्ड को चार पहले रखा गया था पर अब यहाँ पे वो भी नहीं है, तो लोग अब यहाँ पे आते हैं, गाय चरा रहे, अपनी दारू पीते हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। 2500 साल पुराना इतिहास सोचिएगा, अगर ये वाकई में यहाँ पे और अच्छे से अगर प्रॉपर्ली इसको मेंटेन किया जाए तो जैसे सेंट्रल इंडिया में ऐसी कोई भी साइट नहीं है जिसको हम बोल सके कि बहुत पुरानी हो। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट साइट में से एक है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। तो भाई ये वो साइट से मैं भी थोड़ा दूर आ जाऊँ, यहाँ भी पूरे साइट की एरिया आप देखिए, आपको सब दिखेंगे यहाँ पे, तो वो खारून नदी वहाँ से, और ये एक देखिए रास्ता बना हुआ है। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो प्लेस है ये डॉकयार्ड रही होगी। ये तो खैर अब पेड़ पौधे पूरे आ गए हैं, लेकिन जो नाव आने के लिए, जो बड़े बड़े शिप्स आने के लिए जो जगह है वो आज भी वैसे ही है, और ये डॉकयार्ड यहाँ होगा ऐसा माना जाता है यहाँ पे। और इस डॉकयार्ड के थ्रू यहाँ पे लोग आते होंगे, उतरते होंगे, और ये व्यापार होता होगा। बहुत बड़ी साइट है गाइस ये, मतलब इतने बड़े एरिया में 2500 साल पुराना सिविलाइज्ड एक सोसाइटी मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ की। दीवारों को जोड़ने के लिए ऐसा मानते हैं कि जो गुड़ के साथ कुछ चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया था, तो वो आज तक बाइंड करके रखा है इनको। वैसे तो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जब तक ये इंसानों की नज़र में नहीं आया 2008 तक, तब तक ये काफ़ी सही सलामत था, लेकिन जैसे ही ये इंसान आए यहाँ 2008 में, और ये जगह अब देखिए ख़त्म होने लगी है। वहीं पास में भी एक कलचुरी जो राजा थे उनके समय का एक मंदिर है, तो वो कलचुरी टाइम का है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है उससे। ये जो पूरी साइट है आपको, खैर अब तो काफ़ी टूट फूट गया है, बिना उसके कोई यहाँ पे मेंटेनेंस है नहीं, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में है ये, आप देखेंगे तो। आई लॉस्ट माई ड्रोन गाइज, मैं यहाँ के व्यू के लिए अपने ड्रोन को उड़ाया था, पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो वो इस हवा के साथ उड़ गया। मैं को लगा कि उड़ के वो उस पेड़ पे जाके फंसा है, लेकिन पिछले 2 घंटे से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, पर मैं ड्रोन मिल नहीं रहा है। गांव के भी 1-2 लोग मिले, वो भी मेरी हेल्प किए, लेकिन मिल नहीं रहा है। पॉसिबिलिटी ऐसी कि पेड़ पर वो उन्होंने चढ़ के भी देख लिया, सब हो गया, लेकिन नहीं मिला वो। उनका ऐसा कहने कि हो सकता है वो नदी है बगल में, तो नदी में बह सकता है, नदी में बह के चला गया हो, तो इनके हिसाब से पेड़ में तो नहीं, क्योंकि वो 2 बार चढ़ के देख चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं आगे और अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा, और देखते हैं अब ड्रोन का कैसे क्या करना है। तो चलिए, थैंक यू।